मुंबई के गोरेगांव पश्चिम स्थित हाइपर सिटी मॉल के सामने तेज गति से आ रही एक वॉक्सवैगन कार ने सड़क पार कर रहे चार छात्रों को ठोकर मार दी, जिसमें तीन छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए जबकि एक छात्र को मामूली चोट आई। दुर्घटना के बाद आनन-फानन में घायल छात्रों को गोरेगांव के सिद्धार्थ अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन छात्रों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। वहीं एक छात्र को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। MH02CL9510 नंबर की वॉक्सवैगन पोलो कार किसी फिल्म म्यूजिशियन की बताई जा रही है, जिसे 22 वर्षीय चालक दिलीप देशमुख चला रहा था। दुर्घटना के बाद कार चालक दिलीप देशमुख को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जहां पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि मंगलवार की सुबह रोड खाली था, इसलिए वो तेज गति से अपनी कार चला रहा था कि अचानक चारों लड़के कार के सामने आ गए, जिसके कारण ये हादसा हुआ। पीड़ितों में 17 वर्षीय दीपेश उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसे गंभीर अवस्था में विलेपार्ले की नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पैर में बढ़ते पॉइजन को देख डॉक्टरों को उसका पैर काटना पड़ा। एक सूरज था, एक पानीपुरा वाला का एक लड़का था, हम लोग इधर पे हैं, और एक उसके क्लास का एक लड़का था और मेरा भांजा था, जो हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए मतलब जॉगिंग के लिए जाते हैं। तो वो जॉगिंग के लिए जा रहे थे, जॉगिंग से आए भी आ रहे थे उधर से, और सामने से जो एक रिक्शे वाला आ रहा था उसके पीछे से वो फोर व्हीलर वाला आ रहा था। वो फोर व्हीलर वाले ने वो रिक्शे को टेक ओवर करके आगे चले गया और उनको उड़ा दिया, वो डिवाइडर में लड़ा दिया, और बच्चे लोग उधर ही साइड में खड़े थे डिवाइडर के कि ये गाड़ी निकल जाएगी तो हम लोग क्रॉस करेंगे। दीपेश सिंह पढ़ने में बहुत तेज है, इसलिए उसकी माँ ने उसे उसके मामा के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। बुधवार को उसका जन्मदिन था, जिसे मनाने की पूरी तैयारी उसके घर वालों ने कर रखी थी, लेकिन दीपेश को क्या पता था कि उसके जन्मदिन के दिन उसका पैर काट दिया जाएगा। उसके मामा समीर महात्रे की यदि माने तो अस्पताल की बेड पर दीपेश के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रो रो कर अपने मामा से कहा कि उसके जन्मदिन पर उसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, बस कोई उसका पैर उसे वापस दिला दे। मेरे भांजे का आज बर्थडे है, आज वो 17 साल का हो रहा था। हालत तो उसके अभी क्या है, एक पैर काटना पड़ा, पैर काट दिया है उसका। चश्मदीद की यदि माने तो दुर्घटना के दौरान चारों लड़के सड़क के किनारे खड़े थे कि अचानक तेज गति से आ रही कार ने पहले उन्हें रौंद दिया, उसके बाद पास में खड़ी कॉल सेंटर की एक कार को उसने जोरदार ठोकर मारी, जिसमें तीन लड़कियां सवार थी। उसके बाद बेकाबू कार सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर से जा टकराई। मैं वहां डिवाइडर पे बैठा था तीन लड़की सामने, तो गाड़ी वाला बहुत स्पीड में आया फोर व्हीलर, उसके बाद में ये चारों बंदे रास्ते पे खड़े थे डिवाइडर के सामने। एक रिक्शा निकल रही थी उधर से, तो इसने कंट्रोलिंग नहीं किया गाड़ी का, सीधा स्पीड में ही पीछे से निकालना चाहा, तो सीधा डिवाइडर में लेके चारों बंदे को उड़ा दिया। हाँ, मैं वहीं पे बैठा था, लेकिन मैं डर से नहीं आया कि पुलिस मेरे को पकड़ेगी, बोलेगी तुमने छुआ क्यों, लड़ाई के लिए छुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फ़ोन लगाए पब्लिक ने, पुलिस आई, आधे आधे घंटे में पुलिस आई, तो एम्बुलेंस भी आई थी, उसी जस्ट 5 मिनट हुआ होगा, पहले एम्बुलेंस आई उसके बाद में पुलिस आई। तो एम्बुलेंस में दो को बिठाया और पट्टी किया, लेके गया, और दो को सिंगल सिंगल रिक्शे में बैठाया, ऐसा सुला दिया। कैसी हालत थी जब एक्सीडेंट के बाद वो लोग? एक्सीडेंट जब भी जो हालत में पड़े थे वो लोग, कोई इधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है, ये होता था कि बचेंगे नहीं, बचने की उम्मीद थोड़ा भी नहीं थी। घायलों का नाम रितेश पाल, हरिकेश प्रजापति, दीपेश सिंह और सूरज यादव बताया जा रहा है। सभी की उम्र 14 से 17 साल के बीच बताई जाती है। सभी लड़के 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। फिलहाल बांगुर नगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 279, 338 और 337 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी म्यूजिशियन को हिरासत में लिया है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है।
वीडियो जर्नलिस्ट विनय दुबे के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।